तो न्यूज़ आ रही है रूमर्स आ रहे हैं कि मेसन माउंट रिन्यू नहीं करेंगे एंड इट्स मोस्ट लाइकली कि जुलाई में वो छोड़ सकते हैं चेल्सी को रोमानो ने भी ऐसा बोला है तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा आई सॉ दैट कमिंग मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेसन माउंट रुकेंगे ऑल दो इस पर मेरी क्या राय है क्या रिएक्शन है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा देखिए मेसन माउंट ना एक बहुत इंटरेस्टिंग केस रहा है चेल्सी में ही इज़ बीन अ प्लेयर जिसके फैंस हैं तो ऐसे हैं कि बिल्कुल एक हैं कि कुछ चाहे माउंट गलत भी कर दें तो भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे विच इज़ फेयर हर प्लेयर के होते हैं हर प्लेयर का एक अपना फ़ैन बेस होता है और एक तरफ़ ऐसा है कि वो अगर एक भी गलती कर दे मैच में से तो भाई इस प्लेयर को तो निकाल ही दो ही इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर चेल्सी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेसन माउंट के साथ ऐसा हुआ वैन ही के अमाउंट टू सीन और जब वो एज अ कोबम ग्रेजुएट आए और लैम्पार्ड uh, ने उनको प्रमोट किया एंड ही बिकेम अर फेस काइंड ऑफ फेस ऑफ द क्लब बन गए थे वो फॉर बिट ऑफ इन द मिडल कि uh, ये एक ऐसा बंदा है जो हम लैम्पार्ड जैसा हमारे लिए खेले थे वैसा ये खेलेगा और कॉबम uh, ग्रेजुएट है वो एक मिडफील्ड में जो हमको प्रेजेंस चाहिए थी लीडर ऑन द फील्ड है कैप्टन बन सकते हैं फ्यूचर वो सारी चीज़ें थी तो वो सब हमको मेसन माउंट से लगता था अब क्या होता है कि परफॉरमेंसेस ड्रॉप होती हैं ठीक है थीके? बीच बीच में परफॉरमेंसेस ड्रॉप होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म uh, किया जाता है इतना ज़्यादा कि वो सो इंग्लिश टैक्स वाली बात होती है और वो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं मेसन माउंट की खुद की परफॉर्मेंसेज भी ठीक नहीं रहती हैं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें दो सीज़न जो पहले के दो सीज़न थे वो बहुत ही शान शानदार थे बहुत ही अच्छे थे मुझे पर्सनली क्या लगता है हुआ क्या है माउंट को ओवर यूज़ कर दिया गया है हर मैनेजर जो भी मैनेजर आया फ्रॉम लैम पार्ट टू कल अब ग्रहम पॉडर आप देख लीजिए शुरू में सब ग्रहम पॉडर अब तो मतलब जाओ जाओफिलिक्स के आने के बाद और इंजरी भी हो गई थी माउंट को बीच में फिर ये अनरेस्ट जो चल रहा था उसकी वजह से माउंट को नहीं पिक किया जा रहा बट आप जो भी देखें मैनेजर्स इतना खिलाते हैं माउंट को मुझे लग रहा था कि माउंट को एक ब्रेक की ज़रूरत है आई थिंक ही नीडेड अ रेस्ट और थोड़े गेम्स वो बैन से स्टार्ट करें थोड़ा आए एक फ्रेश फ्रेम ऑफ माइंड से है, तो बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं बिकॉज देयर इज अ प्लेयर इन देयर हमने देखा है यार चैम्पियंस लीग फाइनल की जो वो परफॉर्मेंस थी असिस्ट दिया था काय हैवर्ट्स को और वो पूरा रन ही बहुत अमेजिंग था माउंट का और जिस तरीके से क्रूशल गोल्स भी स्कोर करें माउंट ने हमारे लिए बट uh, अगेन अब आप ट्रांजिशन में आ जाते हैं आप इतने सारे प्लेयर्स लेके आ गए हम जाओ फिलिक्स को आप लेके आए हैं और जाओ जाओफीलिक्स के लिए अब आपको अगर परमानेंट करनी है डील तो वो एट्टी से नाइन्टी मिलियन की रहेगी अब मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जाओ फिलिक्स को रखने का मतलब है कि माउंट को जाना पड़ेगा तो मुझे जाओ जाओफीलिक्स नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ठीक है यहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार आप तो जाओ जाओफीलिक्स इतना सही खेल रहा अभी और ये और वो है बट मेरे हिसाब से हम माउंट के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मुझे प्रॉब्लम यह है कि अगर माउंट छोड़ते हैं चेल्सी तो जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल लिवरपूल मुझे लग रहा है इज़ द मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन और क्लॉप को चाहिए भी माउंट जैसा प्लेयर और वहाँ पे जाके वो आदमी बहुत अच्छी फुटबॉल खेलेगा और हम अपने डायरेक्ट ट्रैवल को स्ट्रेंथन कर देंगे अभी लोगों को लग रहा है कि माउंट निकाल दो माउंट इज़ द प्रॉब्लम आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि कितना अच्छा प्लेयर है मिसन माउंट तो मुझे देख के खराब लगेगा बट ऑब्वियसली यहाँ पर अब लोग बोलेंगे इफ़ ही इज़ अ ट्रू चेल्स इफ़ ही इज़ अ ब्लू थ्रू एंड थ्रू तो तो रुकना चाहिए ना और क्या हुआ अगर वेजेस उतने नहीं ऑफ़र कर रहा है क्लब तो देखिए बात वो नहीं होती है एट द एंड ऑफ़ द डे इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट अगर उनको लगता है कि उनको रीस जेम्स के बराबर मिलना चाहिए वेज तो आई थिंक वहाँ पर एक केस बनता है बिकॉज़ दोनों ही प्लेयर्स एक साथ आए एक ही सीजन में आए चेल्सी में ठीक है रीस जेम्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है और रीस जेम्स ने जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया और जिस लेवल पे वो पहुंच गए हैं डिज़र्विंग है जो उनको वेज मिलता है अब देखिए वेज वाले पॉइंट में मैं नहीं घुसूंगा कि ये प्लेयर कितना करता है डिज़र्व कितना नहीं करता बट माउंट का अभी करंट वेज बहुत कम है एंड आई थिंक कुछ प्लेयर्स जो वेज कमा रहे हैं जिस तरीके से अब इसमें अगेन प्रीवियस जीम को मैं दोष दूंगा कि उन्होंने वेज स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया था कि माउंट हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर दोज वेजेस और यहाँ पे कोई चेल्स और ये वाली बात मेरे हिसाब से लागू नहीं होती है एट दी एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल स्पोर्ट है ये और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलते हैं कि माउंट तो नहीं रुक रहे चेल्सी तो दैट इज़ नॉट अ प्लेयर दैट वी वॉन्ट द क्लब तो वो गलत होगा आई थिंक अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जाओ फीलिक्स ठीक है अच्छे प्लेयर है बट जो गेम इंग्लैंड में चलती है और जो प्रीमियर लीग की डिमांड्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि माउंट बेटर सूटेड हैं लॉन्ग टर्म में ही इज़ अ फिज़िकल प्लेयर ही इज़ अ टायरलेस वर्कर वेरी गुड ऑन द बॉल पीछे आके डिफेंसिवली भी बहुत मदद करते हैं और टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस प्लेयर में तो आई थिंक माउंट जैसा प्लेयर हमारी टीम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है वी वुड बी मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक लेटिंग मेसन माउंट गो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ मैं नहीं चाहता मेसन माउंट जाए आई वॉन्ट हिम टू स्टे ऐट द क्लब थोड़ा सा पेशेंस दिखाना ज़रूरी है प्रॉब्लम इस फैन बेस की है कि बहुत ज़्यादा इम्पेश हो जाते हैं और टाइम ही नहीं देना चाहते किसी भी प्लेयर को और बस ये है कि प्लेयर जब तक अच्छा कर रहा है तब तक उसके साथ रहो उसके साथ रहो जैसे ही उसका फॉर्म डिप हो जाता है या वो ख़राब खेलने लगता है तो उसको आप छोड़ दो मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मैंने हमेशा जब भी माउंट का फॉर्म ख़राब था तो मैंने टीम सलेक्शन को क्वेश्चन किया कि आप क्यों माउंट को खिला रहे हैं क्यों आप ज़बरदस्ती फिट कर रहे हैं माउंट को लेफ़्ट विंग पे क्यों खिला रहे हैं आप अगर आपको माउंट को खिला नहीं है तो वो सारी मैं चीज़ें बोलता था बट मैंने कभी इस तरीके से नहीं बोला कि माउंट को निकाल ही देना चाहिए क्लब से मेरा हमेशा ये असेसमेंट रहा है माउंट का जब भी फॉर्म डिप हुआ है कि ही हैज़ बीन ओवर यूज बर्नआउट हो जाता है एक प्लेयर मेंटली और फिज़िकली उसको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत होती है और जब एक बंदा उस पोजिशन में इस तरीके से आप बार 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 गेम आफ्टर गेम गेम आफ्टर गेम खिलाए जा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब वो अपनी हंड्रेड परसेंट डिफिशेंसी के साथ और उस फ्रेशनेस के साथ खेल सकता है वीक इन वीक आउट तो मुझे ऐसा लगता है कि अमाउंट को मतलब अब तो जिस तरीके की न्यूज़ आ रही मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे और ऑब्वियसली मैनेजर को और ओनर को जाओफिलिक्स ज़्यादा पसंद है तो आई थिंक जाओफिलिक्स को फिर वो सेकेंड स्ट्राइकर भी खिला सकता है बट एनकु uh, भी uh, अभी आएंगे समर में तो ऑब्वियसली माउंट फीलिक्स और एनकुंको एक साथ तो खेल नहीं सकते ऑब्वियसली आपको किसी को तो बाहर करना पड़ेगा पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली मेसन माउंट है वो तो दुख होगा ऑब्वियसली माउंट जाएंगे तो और ज़्यादा दुख होगा कि अगर वो लिवरपूल चले जाते हैं बिकॉज डायरेक्ट राइवल हमारा स्ट्रेंथन जो स्ट्रेंथन हो जाएगा प्लस लिवरपूल में जाके वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलेंगे क्लॉप को पता है कि प्लेयर्स को कैसे यूटिलाइज करना है किस तरीके से खिलाना है और uh, वो क्लब जो है इस समय मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा सेटल्ड है स्क्वाड में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसको इंटीग्रेट करना है क्या करना है आई थिंक फ्रेशनेस की ज़रूरत है उस स्कॉड में उसमें तो प्लेयर्स डालने की ज़रूरत है हमको निकालना है बल्कि लिवरपूल को डालने की ज़रूरत है तो अगर मेसन माउंट वो डाल देते हैं जूड बेलिंगम में भी वो जाएंगे उनके पीछे एक सेंटर बैक तो वो खतरनाक टीम बन जाएंगी और सबसे खराब बात ये होगी कि हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया मतलब इट कुड बी अनदर केविन डिब्रोना लाइक सिचुएशन में मजाक नहीं कर रहा कि केविन डिब्रोयना था आपके पास आपने उनको जाने दिया मैन सिटी में इज बिकम अ लेजेंड ना मॉडर्न ग्रेट ऑफ द गेम मेसन माउंट के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है तो देखते क्या होता है आपकी क्या राय है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई नो देर आर अ लॉट ऑफ माउंट हेटर्स बट फॉर मी ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड आई वुड वॉन्ट टिम टू स्टे एट जेल्सी आपकी कह रहा है प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन टेक केयर प्लीज